तो अब यहाँ पे इंतहा हिकायात और रवायात है, एक दूसरी हिकायत भी सुन लीजिए कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन ने अपनी किताब में लिखा कि एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था, आंधी थी, तूफान था, कराची में भी बारिश काफ़ी हुई, बस समझ लें आप क्या, तो एक आत्मरतबा ही होती है, ये चलें उसके यहाँ भी एक ही आत्मरतबा हुई होगी। तो बहरहाल फजर की जमात में ना सबसे कम अफराद होते हैं, मैं भी कभी पेश नमाज रहा हूँ लंदन में, तो मैंने मुझे अंदाज़ा है, कई मरतबा तो खुद ही ताला खोलो, खुद ही अजान दो, खुद ही अकामत कहो, खुद ही जमात पढ़ो, दुआ पढ़ो, ज़्यारत पढ़ो, खुद ही अकेले वापस आ जाओ, कोई नहीं। यहाँ कराची में इतना है तो वहाँ सोचे क्या हाल होगा, कि मुझे पता था दांत वगैरह नहीं आएगी इस पर, लो आने भी नहीं चाहिए, ठीक है इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी रखे मेरे खुसूसन बच्चे नौजवान। तो इधर के नामी अब ये बेचारा फजर के लिए शिकायत पेश करो या रहने दो। तो अब वो फजर के लिए चला, देखा तूफान है, पानी खड़ा हुआ बहुत ज्यादा, निकला तो हाथ में उसने कोशिश की भी तस्बीह लूं, निकलूं, जैसे ही निकला तो आधे रस्ते में पानी में फिसल गया, सारे कपड़े खराब हो गए, कहा जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, वापस आ गए। दूसरी मरतबा घर से कपड़े तब्दील करके फिर जाने लगा, फिर इतना पानी था गिर गया, जल्दी से दोबारा कपड़े तब्दील करने, तीसरी दफा मैं बड़ी हिम्मत थी, तीसरी मरतबा फिर घर गया। अब जैसे ही घर से निकला तो देखा कि एक आदमी बूढ़ा मकरूह शक्ल वाला एक चराग लिए खड़ा, कहा तुझे मस्जिद पहुंचा दो। फौरन चला, जैसे ही पहुंचा तो कहा जा नमाज पढ़ ले, कहा आप नहीं आएंगे, कहा नहीं तुझे पहुंचाने आया था, कहा इतनी जहमत क्यों की, कब मैं शैतान हूं, तवज्जो, क्या शैतान हूं, कब फिर मुझे मस्जिद तक पहुंचाने क्यों आए, कब पहली मर्तबा तू गिरा नहीं था, मैंने धक्का दिया था, पूरे शहर में कोई नमाज के लिए नहीं निकला, तू अकेला चला था, मैं फरिश्तों की सदाएं सुन रहा था, सारे फरिश्ते कह रहे थे अरे अल्लाह ने लिख दिया ये अकेला नमाजी है, इसके सारे गुनाह माफ कर दो। तो मैंने कहा धक्का दे दूं, गुनाह तो माफ हो गए, अब अल्लाह करे नमाज ना पढ़े, नहीं है मजमा, कहा धक्का मैंने दिया तू गिर गया, फिर दोबारा घर चला गया, जब तू कपड़े बदल के दोबारा चला ना तो फरिश्ते सदाए देने लगे अरे इसके सारे घर वालों को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। तीसरी दफा अब मैं चराग लेके आया, ऐसा ना हो इस एक नमाजी की वजह से शहर बख्शा दे, मुझे